जैसे मैं जब छोटी थी ना, मुझे मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था, पता है फ्रेंड, सच में मैं सच बोलूँ तो मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था। किसके लिए? क्योंकि मैं काली थी। हे फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफ स्टाइल। सो फ्रेंड, आज है फ्राइडे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा फ्राइडे और सैटरडे का ब्लॉग। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगी फ्रेंड। तो अभी शाम के टाइम हो रही है, मैं और मून जो है बेड के ऊपर आके मस्ती कर रहे थे, तो बेड का हालात जो है बहुत ही ख़राब हो गई है फ्रेंड। तो बस मैंने इसको साफ़ कर लूँगी और लगे हाथ बेड को थोड़ा सा क्लीन करके मैं जो वार्डरोब और साइड टेबल है ना उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मून अभी बाहर खेल रहे हैं, इसके मुझे टाइम मिल गया है अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, इधर जो मेरा साइड टेबल है ना उसके अंदर से मैं सब कुछ निकाल के मैं ऊपर रख देती हूँ, नहीं तो मून के हाथ लग जाते हैं। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम हो जाती है वॉइस ओवर करने में। तो देखिए फ्रेंड, इधर का जो क्रीम वगैरह था ना सब मैंने ऊपर रख दिया था, इसको साफ नहीं किया था मैंने, तो अभी जो है मैंने इसको इसके जगह पे रख दूंगी, क्योंकि सब कुछ मुझे वार्डरोब के अंदर इसके लिए रखना पड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो मून सबको ख़राब कर देते हैं फ्रेंड। तो ये जो क्रीम वगैरह है ना सब मेरा विंटर का क्रीम है, तो इसके लिए बस मैं इसको अंदर रख दूंगी, क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड, जाती हूँ मैं अभी लिविंग रूम पे, जाके मैं घर को पूरा झाड़ू लगा देती हूँ। और आप देखिए इधर मून भी बैठी हुई है। तो फ्रेंड चलिए मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर मैं आपके साथ बातें करती हूँ। फ्रेंड देखिए इधर मून क्या कर रही है, मून जो ये सोफ़ा है ना इसके साइड में आके झुकने लग जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है फ्रेंड, क्योंकि वो गिर जाएगी इसका डर लगती है मुझे। और देखिए इधर शीशे पे और एक मून आपको दिख रही है ना। तो चलिए फ्रेंड, बस मुझे किचन पे जाना है, थोड़ा सा काम है किचन पे। तो इधर देखिए मैं किचन पे आ गई हूँ फ्रेंड। ये जो डब्बा है ना स्टील का, इसको बस मैं सुबह धो के रख दिया था, क्योंकि ग्रॉसरी का जो एक्स्ट्रा सामान रहते हैं ना उसको रखने के लिए मेरे किचन में इतना सारा जगह नहीं है फ्रेंड, तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ प्लास्टिक में भर के। तो चलिए फ्रेंड, अभी मून का पापा आने का भी टाइम हो चुकी है, तो बस मुझे जाना है बाहर देखने के लिए कि उसका पापा आया है कि नहीं। तो बस बेल जो है वो बज। सो फ्रेंड देखिए मून का पापा आ चुके हैं, और इधर देखिए मेरा टीवी जो है वो चल रहा था, तो बस मैंने उसको उधर ब्लॉर करके रख दिया। और मून का मस्ती भी चालू हो गया है, जब देखा कि घर का बेल बज चुकी है मतलब कि पापा आए हैं। तो मून का पापा का जो है अभी थोड़ा सा माइंड ख़राब है, क्योंकि उसका एक चश्मा टूट गया जो कि मेरा और उसका दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो बस फ्रेंड अभी उसको जाना है नहाने के लिए, तो नहाने के पहले उसको किसी को कॉल करना था, तो बस वो कैमरे के सामने आ गया था। मैंने बोला था कि अरे कैमरा ऑन है, तुम हट जाओ उधर से, तो बोला अरे मैंने देखा ही नहीं। तो बस मैं फ्रेंड मैंने बाहर से कपड़ा जो है सूख गया था वो लेके आई हूँ, उसको फोल्ड करके रख दूँगी मैं। तो चलिए इधर मून भी मेरे साथ आ जाइए मस्ती करने के लिए। तो फ्रेंड पहले मैं कपड़े को फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर मैं आपके साथ बातें करती हूँ। तो फ्रेंड मून के पापा का नहाना कंप्लीट हो चुकी है, और थोड़ा बहुत कपड़ा था जो कि वो धुल दिया है। तो देखिए बस मैंने इसको सुखाने के लिए स्टैंड पे लगा दिया, तो मैं उसके पीछे पीछे कैमरा लेके जा रही थी। तो मेरा हस्बैंड जो है नहा लिया, वो ऑफिस से आने के बाद नहा लिया, पर उसका जो है ना माइंड बहुत ही ज्यादा खराब है। पता है क्या हुआ, ये देखिए ये चश्मा जो दिख रहे है ना, दिख रहे हो क्या आप? देखो एक स्क्रैच दिख रहे हो इधर, ये चश्मा जो है ना वो टूट गए हैं। इसको देखे उसके तीन चश्मा टूट गए, जब से वो ये कोरोना वायरस हुआ है ना, जब से मास्क पहन रहे हैं तब से ऐसा हो रहा है। ये चश्मा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा था, पता है बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत पसंद थी ये चश्मा। उसका क्या होता, अभी मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे रात के लिए चावल बनानी है, और दोपहर में मैं जो सब्जी बनाई थी ना वो मेरा बहुत फेवरेट है, पर मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा। पर वो जो है ना इसके लिए बस उसके लिए कुछ अलग बनाऊंगी। दाल है जो कि कल का मसूर का दाल जो था ना वो फ्रिज में है, ज़्यादा बन गया था, नहीं तो मैं इतना दिन तक दाल नहीं रखती हूँ फ्रेंड। अगर बच भी जाता है ना तो मैं फेंक देती हूँ, पर वो जो दाल था ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, इसके लिए फेंकने का मन नहीं किया। थोड़ा सा ही है
बस वो दाल है और मैं रात को ना आलू जो है ना उसका चोखा बना लूंगी, तो उससे ही मेरा हस्बैंड का बहुत अच्छे से, जैसे मैं जब छोटी थी ना मुझे मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था, पता है फ्रेंड, सच में मैं सच बोलूँ तो मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था, किसके लिए, क्योंकि मैं काली थी, इसके लिए पता नहीं मुझे, अभी मैं सोचती हूँ कि मेरे कलर में मेरे साथ दोस्ती करने में क्या, ना अगर कोई काली है तो उसके साथ दोस्ती करना क्या बुरी है क्या, मैं बस यही सोचती हूँ। बस वो जो बातें हैं ना मुझे अभी तक याद आती है, पता है कि काली हूँ इसके लिए मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, शायद भगवान ने मुझे काली क्यों बनाई है, मैं बस यही सोचती थी, पता है मतलब स्किन का कलर कॉम्बिनेशन से भी फ्रेंडशिप होते है। मून आवाज़ कर रहे हैं, मून मून प्लीज बेबी। सो मुझे ऐसा लगती थी, मुझे मुझे लड़की मुझे जैसे पसंद थी वैसे मेरे हस्बैंड को भी लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी, मेरे घर में ऑलरेडी दो लड़की है फिर भी मेरे लड़की चाहिए थी, मुझे ऐसा लगा, मेरे हस्बैंड भी बोल रहा था अगर लड़की हो लड़का हो बस वो अच्छे से हो, वो स्वस्थ हो, ऐसा मुझे भी ऐसा चाहिए था, पर मुझे जैसे वो चाहिए था ना कि अच्छा ठीक है वो स्वस्थ हो ठीक है चाहे लड़की हो या लड़का हो, पर एक चीज़ मेरे मन में हमेशा रह गया था कि जो चीज़ मैं छोटे टाइम से जो चीज़ मैं स्ट्रगल करके आई हूँ वही सोचती थी कि मेरे लड़की का कलर जो है ना वो डार्क ना हो, वो थोड़ी सी तो गोरी बने, मैं बस भगवान को यही प्रे करती थी, पर भगवान मेरा सुनिए। फ्रेंड मून सो गई है, बस मैं अभी आई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, तो इधर मैंने चावल बिठा दिया, चावल के अंदर मैंने आलू भी डाल दिया था क्योंकि मुझे आलू का भरता भी बनाना था। तो देखिए फ्रेंड चावल जो है वो बन चुकी है, अभी मैं मस्टर्ड में थोड़ा सा अनियन जो है ना उसको फ्राई कर रही हूँ और इधर आलू को मैश करके रख दिया और थोड़ा सा सूखा मिर्च मैंने वो मस्टर्ड ऑयल में ही मैंने इसको फ्राई करके रखा था। तो देखिए बस सूखा मिर्च देकर आलू को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर यही आलू को मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में, और मैं इसमें एक सीक्रेट डालूँगी जो कि बॉयल हुआ एग, जो मैं डालती हुई एक ही मैं एग को बॉयल करके रखी हूँ जिसको मैं थोड़ा सा मैश करके इसके अंदर डाल दूँगी, तो बहुत ही अच्छा बनती है। तो देखिए फ्रेंड हमारा डिनर जो है रेडी हो चुकी है, तो बस हम दोनों मिलकर डिनर कर रहे थे और मेरा हस्बैंड बस फ़ोन लेके आए थे मुझे दिखाने के लिए कि देखो जमाई षष्ठी था बंगाली का, तो सब जमाई लोगों ने ससुराल गए थे और इतना अच्छा अच्छा खाना वगैरह खाया, तो मैंने बोला हाँ अच्छा है क्योंकि फ्रेंड अभी तक हमारे लाइफ में जमाई षष्ठी जो है ना वो आया नहीं है, मतलब आया तो बहुत बार है पर हम लोग जा नहीं पाए हैं। तो देखिए फ्रेंड रात का डिनर करने के बाद जितना सारा बर्तन था मैंने उसको धुल दिया और इधर मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया फ्रेंड, क्योंकि हम लोग हर रोज़ दूध पीते ही है, तो मून को मैं इधर आपको दिखा रही थी क्योंकि मून को अभी मुझे उठाना है डिनर करवाने के लिए, तो एसी चल रहा था इसके लिए बस मैंने एक पतला सा सॉफ्ट टॉवल देके उसको ढक के रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड मून को उठा लिया मैंने, बस लाइट बंद करके उसको डिनर करवा दिया हूँ मैं फ्रेंड, तो मैं आ गई हूँ रात का स्किन केयर करने के लिए। तो रात में मैं यूज़ करती हूँ लोटस का नाइट क्रीम जो कि मैं बहुत ही पहले से यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस फ्रेंड मैं क्रीम लगा लूँगी उसके बाद मैं इधर आई हूँ दूध लेके, दूध पीने के बाद मुझे सोना है। मैं सो जाती हूँ अभी क्योंकि रात के 11 बज चुकी है, अगर मैं अभी नहीं सोऊंगी ना तो कल सुबह मेरा इंजन स्टार्ट नहीं होगी, तो क्योंकि कभी कभी मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ते हैं इसके लिए मुझे भी जल्दी उठना पड़ते हैं। तो फ्रेंड चलिए मिलती हूँ कल सुबह, गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और आज है सैटरडे, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग पे मेरा झाड़ू लगाना और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है, तो बस मैंने अभी लगा रही हूँ पोछा क्योंकि पोछा लगाने से पहले मेरे हस्बैंड घर से नहीं निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो बस मैं जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ फ्रेंड, फिर मेरे हस्बैंड को जाना है ऑफिस। Thank you.
हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, मून जो है नीचे फ्लोर पे ऐसे ही सोया हुआ है क्योंकि उसका पापा चले गए हैं तो उसका थोड़ा सा मूड ऑफ है। तो फ्रेंड देखिए मेरा किचन में अभी आगे है पानी, तो किचन का पानी नहीं आते, इसके लिए सुबह सुबह किचन का क्लीनिंग और पानी भरना मुझे स्किप करके रखना पड़ती है, बाद में करना पड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड पहले पानी को भर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा बहुत बर्तन है उसको धुल लूँगी, उसके पहले मैं किचन को जो प्लेटफॉर्म है ना उसको थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। सो फ्रेंड मेरा किचन का जो पानी है ना वो 7:30-8 बजे तक आते हैं, इसके लिए मुझे किचन का जो काम है ना उसको पेंडिंग रख के मुझे और कोई काम करना पड़ते हैं, और वॉशरूम का पानी भी एक ही साथ आते हैं तो इसके लिए मैं लेट हो जाते हैं किचन का काम करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड बस मैंने सब कुछ कर लिया, किचन के प्लेटफॉर्म जो है उसको क्लीन कर लिया, सुबह का जितने सारे बर्तन था बस मैंने लगे हाथ उसको भी धुल लूँगी, और बस मेरे हस्बैंड सुबह चाय भी पिया था तो उसके लिए चाय का कप और ये सब कुछ है। तो चलिए फ्रेंड फटक से मैंने सब कुछ बर्तन वगैरह को क्लीन कर लेती हूँ, फिर मुझे जाना है नहाने के लिए। नहा के तो थोड़ा सा अजीब दिख रही हूँ ना मैं, तो डर मत जाना। तो अभी मुझे करना है वीडियो को एंड, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने कल से स्टार्ट किया था इवनिंग से, मतलब कि फ्राइडे से सैटरडे का ये जो ब्लॉग होगा पूरा फ्राइडे टू सैटरडे का ब्लॉग होगा। सो फ्रेंड आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। फ्रेंड पसंद आई है तो क्या करना है आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बोल देती हूँ, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटा सा लाइक दे देना मेरा वीडियो को, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ बहुत सारा ढेर सारा इसको शेयर करना, और मुझे कॉमेंट करके बताना कैसा लगा है मेरा ब्लॉग। सो चलिए फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड लव यू All friends, stay home, stay safe. Bye bye. मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ।